after shoots के accordingly और कितने participant आते हैं इसमें? हाँ, हमने अभी जो ऑडिशंस किए हैं वो तकरीबन 50 शॉर्टलिस्टेड कमेडियंस के ऑडिशन लिए हैं और 2 दिन में हमने सबको देखने की कोशिश की. सबको देखा ही है, मतलब कोशिश किया करी देखा ही है. और बड़ा अलग अलग वैरायटी के लोग हैं यार, आप शो पे आप देखोगे ना. और बड़ा नयापन है इस बार शो में. बहुत अब जो इंटरनेट की रीच जो है वो घर घर तक है, जन जन तक है. हमारे पापा लोग इंटरनेट पे हैं, व्हाट्सएप पे, मम्मी है व्हाट्सएप देख रही हैं. ठीक है, तो कॉन्टेंट में चेंज तो आया ही है ना. इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार आप शो में बहुत नयापन देखेंगे. मतलब जो टिपिकल टीवी का जो तरीका था उससे थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है ये उसका. तो मेरे ख्याल से जब आप देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ यार ये नया तो है, अलग तो है. ये शो जब 2008 में बंद हुआ था उसके पहले ये अपना एक बेंचमार्क स्थापित कर चुका था. आपको लगता है अब फिर से ये उसको बीट कर पाएगा या वहाँ तक पहुँच पाएगा? पता नहीं यार सर, मैं उसमें था नहीं तो मुझे पता नहीं. देखा तो हाँ, देखा है ना मैं, और मुझे बहुत पसंद था. पहला सीजन तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था. मतलब आई थिंक 2006 में आया था ना पहला सीजन. तो अभी अभी सब कुछ नया है, तो मैं इसको एज ए फ्रेश शो ही ट्रीट कर रहा हूँ, ना कि कंपैरिजन में नहीं है. वो ना क्या अल्ताफ राजा गाना है ना कि वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है, वो शो दूसरा था ये शो दूसरा है. तो ये नई बात है, नई तरह की बात है, नया तरह का शो है. तो इसको अपनी मेरिट पे ही रहने देना चाहिए मेरे ख्याल से. सर, क्या ऐसा लगता है कि दूसरे कॉमेडी शो भी चल रहे हैं, कपिल शर्मा का शो चल रहा है, तो क्या उसे आप सीधे सीधे टक्कर दे पाएंगे? यार मतलब हमारा जो टाइम स्लॉट है, ठीक है, वो जैसा भी सही है. मतलब टक्कर वक्कर क्यों देनी है, कॉमेडी की बात है, कौन से यहाँ तलवारें खींचनी है. मतलब वो अपना कर रहे हैं, हम अपना करेंगे. यूट्यूब से निकल के आ रहे हैं तो आप शो पे बने रहने के बाद भी यूट्यूब पे आपके वीडियोस आते रहेंगे, अब लोग सिर्फ आपको शो पे देख पाएंगे? नहीं नहीं यार, क्या रहता है, मतलब ये वैसी बात है कि अगर मान लीजिए आपकी आपकी अगर दुकान के गुलाब जामुन पॉपुलर हो गए तो आपके आप सवाल वैसा है कि क्या आप सिर्फ आप गुलाब जामुन बेचेंगे? नहीं भाई, जलेबी भी बनी रही है. ठीक है, जिसे खानी होगी वो खाए. तो यूट्यूब पे तो आते रहेगा, जैसा जैसा उसका अपना हर मीडियम का ना, हर प्लेटफॉर्म का अपना कैलकुलेशन होता है कि इसको इस तरीके से करना, उसको उस तरीके से करना. तो यूट्यूब का जो अपना रिदम है वो चालू रहेगा.